हमें आइडिया पर हैरत होती है कि 15 से 20 साल ये लोग रह रहे हैं, इनके सर से छत नहीं छीनेंगे, ये हमारा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी। तो मैं आज इन लोगों से कहना चाहूंगी कि आज के बाद आप लोग चैन से सो, क्योंकि हम लोग शरण में आए मुख्यमंत्री जी की और उपमुख्यमंत्री जी। मामला ईदगाह नगर कच्ची बस्ती वैशाली नगर का है, जिसमें ये लोग 15 से 20 सालों तक वहाँ रह रहे हैं। जहाँ तक बारिश की बात है, तो बारिश पूरे अजमेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में 1.5 गुना ज़्यादा बरसी है। अतिवृष्टि हुई है इस बार, ये हम मान रहे हैं। इसकी वजह से कोई पानी राजस्थान मतलब अजमेर के इलाकों में ही नहीं भरा हुआ है, राजस्थान के कई इलाकों में भी भरा हुआ है, जिसकी समस्या से पूरा अजमेर पूरा राजस्थान ग्रसित है। हम लोगों की समस्या, इन लोगों की समस्या यह है कि ये ईदगाह में 15 से 20 साल के से रह रहे हैं। इन लोगों के वहाँ पे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सारी इनको जो सरकार की सुविधाएं होती हैं, सड़क पानी बिजली नल सब इनको मिला हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि हमें आइडिया पर हैरत होती है कि 15 से 20 साल ये लोग रह रहे हैं, बस्तियाँ एक दिन में नहीं बस जाती हैं, कॉलोनियाँ एक दिन में नहीं बस जाती हैं, बरसों लगते हैं। और ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन लोगों ने लोन ले लेकर के अपने मकान बनाए हैं, वहाँ ज़मीन भी खरीदी हुई है, इनकी कोई कब्जा नहीं करा हुआ है। लेकिन एडीए ने अभी इनको थोड़े दिन पहले नोटिस दे दिया था और इनसे जवाब मांगा है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं, सचिन पायलट जी के नाम और अशोक गहलोत जी के नाम एक लेटर बनवा करके आए हैं, और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इन सब बस्ती वालों की बात वहाँ तक पहुँचाई जाए कि जब ये लोग 20-20 साल से वहाँ रह रहे हैं, तब तो प्रशासन ने इनकी सुध ली नहीं, जब ये वहाँ रच गए बस गए तो इनको तोड़ने के फरमान जारी किए हैं। तो आज हमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, मामले की जांच करवाएंगे, इनके सर से छत नहीं छीनेंगे, ये हमारा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी। कितने मकान वहाँ पे 500-700 मकान है, और नोटिस इनको 150 लोगों को भी दिया गया है परसों के दिन। तो ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, वहाँ के औरतों की ये हालत है कि कई प्रेग्नेंट होते हैं जिनका मिसकैरेज होने के खतरा है, ये रात रात भर जाग जाग करके अपना मकान देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो टूट जाए। तो मैं आज इन लोगों से कहना चाहूँगी कि आज के बाद आप लोग चैन से सो, क्योंकि हम लोग शरण में आए मुख्यमंत्री जी की और उपमुख्यमंत्री जी की।